हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिंस में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत, और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रेविसी ई 500 mg टैबलेट के बारे में। रेविसी ई 500 mg टैबलेट के यूज़, डोज, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट सब कुछ बताऊँगा। आप बने रहिए इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। रेविसी ई 500 mg टैबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली हेमोस्टेटिक दवा है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से शरीर से ब्लीडिंग होने पर इसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी के नाक से ब्लीडिंग हो रही हो, उसकी रोकथाम के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये और किन किन जगहों से ब्लीडिंग जो होती है उसे ये रोक सकता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा इसकी सही डोज। बहुत लोग गलत तरीके से लेते हैं, इसका सही डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही डोज लेते हो तो आपको तुरंत आराम देखने को मिलेगा। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, रेविसी ई 500 mg टैबलेट यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, और इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं, और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वह है 230 रुपये, यानी 230 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है की फार्मा, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है इथामसीलेट 500 mg, और ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन आपको इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके की ब्लीडिंग को रोकने में बहुत ही कारगर काम करता है। दोस्तों, जिन लोगों के नाक से ब्लीडिंग होती है उसमें तो ये काम करता ही है बहुत अच्छा। साथ साथ अगर किसी के मुंह से ब्लीडिंग हो रही हो तो मुंह की ब्लीडिंग को भी रोकता है, या फिर किसी को बवासीर की प्रॉब्लम हो और उनके लेटरिंग के रास्ते से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो उसे भी ये रोकता है, या फिर किसी महिला के योनि से अतिरिक्त ब्लीडिंग हो रही हो बहुत ज़्यादा, उसे भी कंट्रोल करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और अगर किसी के कान से ब्लीडिंग हो रही हो तो कान के ब्लीडिंग को भी ये रोकता है, और सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद भी ये दवा दी जाती है कि अगर किसी को सर्जरी की जाए तो ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, तो इसलिए भी ये दवा दी जाती है। और सर्जरी के बाद अगर किसी की ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें भी इसे दिया जाता है, ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। कई बार कई लोगों के पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसे दिया जाता है, वो ब्लीडिंग को रोक देता है। और कई लोगों के मसूड़ों से भी ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो उसे भी ये कंट्रोल कर लेता है। ये इन सारी प्रॉब्लम्स में रिकमेंड किया जाता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम भी करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवा है वो लेना कैसे है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपको समझना, जिन लोगों की उम्र 15 साल से ऊपर है उन्हें ये टैबलेट कई बार दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, तो कई बार दिन में दो बार लेने की सलाह भी दी जाती है, यानी कि एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद देना होता है, अगर किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा है तो। अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग है तो इसकी एक टैबलेट ही दी जाती है। कई बार डॉक्टर इसकी डोज को घटा भी देते हैं, 250 mg में भी देते हैं, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को, इस तरीके से भी वो दे सकते हैं। तो जिसकी दिक्कत कम है उसको 250 mg दिया जा सकता है, जिसकी दिक्कत ज़्यादा है उसे 500 mg दिया जाता है सुबह शाम के हिसाब से। अब आप समझ गए होंगे इसे कैसे लेना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये दवा ली जाती है तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखे जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देखे जाते हैं। जब आप ये गोली लेते और लेने के बाद आपको उल्टी होने लगे या उल्टी सामान होने लगे, तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपके सिर में तेज़ दर्द होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। कई लोगों को पतले दस्त भी होने लगते हैं, तो अगर आपको दस्त होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो इस दवा को रोक दें और नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें, और कोई भी दवा यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।